हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है भारत में कृषि भू उपयोग। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन आज भारत में कृषि भू उपयोग। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भारत के अंदर जो कृषि है उसका जमीन के अंतर्गत किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब आज हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से जमीन का उपयोग कृषि के कार्यों में लिया जा रहा है और हमारे भारत के अंदर कृषि का क्या महत्व है, किस स्तर पर भारत के अंदर कृषि का उत्पादन किया जाता है, तो उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। देखिए, भारत के अंदर 60% जो आबादी है वो कृषि कार्यों पर निर्भर है। ठीक है, तो पहली विशेषता तो आपकी ये हो गई कि भारत में कुल 60% आबादी कृषि कार्यों पर क्या है, निर्भर है। अर्थात इससे ये साबित होता है कि भारत के लोगों की जो आजीविका है, अर्थात भारत के लोगों की अधिकतर आजीविका जो है किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। भाई, कृषि सबसे ज्यादा प्रतिशत में है भारत के अंदर, तो बेसिकली ये भी पता चलता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कृषि का कार्य होता है। ठीक है, अब इन चीजों को हम कुछ पॉइंटों के अंदर समझेंगे। देखिए, भारत के अंदर द्वितीय और तृतीय क्रिया जो है, जिसके अंदर उद्योग धंधे होते हैं, जो कि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत है, जैसे कि हम बताएं कि जो आपकी द्वितीय क्रिया है और एक आपकी तृतीय क्रिया, ये दोनों क्रिया जो होती है, इसमें तो आता है उद्योग धंधे, इसमें आते हैं सेवा है, परिवहन है, संचार है। ठीक है, इन क्रियाओं की अपेक्षा कृषि क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, मतलब ये कि उद्योग धंधे और तृतीय क्रिया जो है, मतलब द्वितीय तृतीय क्रिया की अपेक्षा कृषि क्षेत्रों के अंदर भूमि की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, क्योंकि भाई तृतीय क्रिया तो बिल्डिंग पे मतलब इमारतों में ये कार्य हो सकता है। आपका उद्योग धंधे भी आप किसी तरीके से कल कारखाने आप एक बिल्डिंग के ऊपर आप कर सकते हो ऊपर नीचे, परंतु भैया कृषि जो कार्य है वो तो आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं द्वितीय और तृतीय क्रिया की अपेक्षा आपके प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि की आवश्यकता, मतलब जमीन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान सबसे ज़्यादा, मतलब हमारे भारत के अंदर कृषि के उत्पादन में भूमि का योगदान अधिक होता है, जबकि अन्य सेक्टर में भूमि की उपयोगिता इतनी महत्वता नहीं देती, जैसे कि मैंने अभी बताया इसके अंदर, क्योंकि और कार्य तो आप इमारतों में कर सकते हो लेकिन कृषि कार्य तो आपके जमीन पे ही होगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, कृषि उत्पादन। ठीक है, जो भी हमारा कृषि का उत्पादन होता है उस कृषि उत्पादन में भूमि का महत्व अधिक, जबकि अन्य सेक्टरों में भूमि का महत्व कम होता है। ठीक है, ये सब कृषि के बारे में बात चल रही है कि भारत में कृषि क्षेत्र के क्या महत्व है, कहां पर आपकी कृषि उत्पादित की जाती है उसे संबंधित है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम बात करें कि जो भूमि होती है इसकी गुणवत्ता जो होती है यही डिपेंड, मतलब हमारी जो कृषि डिपेंड होती है किस पे, जमीन पर, और जमीन की गुणवत्ता जो है वही
आपके कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कृषि क्षेत्रों में भूमि की गुणवत्ता कृषि के उत्पादन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि जमीन की गुणवत्ता एक नंबर होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तभी तो आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाओगे। लेकिन अन्य सेक्टरों के अंदर या अन्य कार्यों में जमीन या भूमि उपजाऊ होना आवश्यक नहीं है, नहीं है, क्योंकि भैया कल कारखाने में कोई जमीन की उपजाऊपन क्षमता जरूरी नहीं होती है। कृषि को पैदा करने के लिए भूमि की गुणवत्ता होना आवश्यक है। ठीक है, चौथे नंबर पे देखिए, देखिए आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अलावा सामाजिक मूल्य भी एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मूल्यों से अधिक सामाजिक मूल्य अधिक महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि गांव के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर्थिक मूल्य जरूरी नहीं है, सामाजिक मूल्य में वो बहुत विश्वास रखते हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की जब प्राकृतिक विपदा आती है, किसी भी प्रकार की जब प्राकृतिक विपदा आती है और या फिर किसी भी प्रकार की हम कह सकते हैं निजी विपत्ति आती है, तो ग्रामीण के जो लोग होते हैं, जो कृषि कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर आपसी सहयोग की जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब समाज के अंदर इस चीज़ को प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता है, तो प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता है, तो आर्थिक महत्व यहाँ पे महत्व नहीं रखता। इसको भी हम मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा हो या निजी विपदा, ग्रामीण व कृषि से जुड़े लोग किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, आपसी सहयोग की भावना रखते हैं। भाई ये तो मैंने एक थोड़ी सी आपको नॉलेज ये दी है कि जहां पर कृषि कार्य भारत में हो रहा है तो वहां की स्थिति कैसी है। ठीक है, वहां की स्थिति कैसी है, जमीन की उपजाऊ क्षमता किस प्रकार से उत्पादकता को प्रभावित करती है, भूमि की योगदान स्थिति कृषि क्षेत्र में होती है जबकि अन्य सेक्टरों में जमीन की आवश्यकता न के बराबर होती है, और सेक्टरों में बिना जमीन के भी कार्य हो सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आगे की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए और क्या है आपके भारत में कृषि उपयोग के अंतर्गत महत्व, देखिए भारत के अंदर कृषि भूमि संसाधन की अधिकता का अनुमान हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर एक तो निवल बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है, एक प्रति भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है, और एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सर्वाधिक है, और ये तीनों भूमि ऐसी भूमि होती है जहां पर फसल उत्पादित सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। भारत में कृषि, ठीक है, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं या कृषि भूमि संसाधन की अधिकता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत में पहला निवल बोया
क्षेत्र पता है ना क्या होता है, जहां पे फसलों को उगाया जाता है और फिर काटा जाता है। दूसरा प्रतिभूमि, प्रतिभूमि कौन सी होती है, जहां पर एक वर्ष या उससे भी कम समय के लिए जमीन खाली रहे, ठीक है ना, या फसल पैदा ना हो। तीसरा व्यर्थ परंतु कृषि भूमि, मतलब ये कि जो भूमि व्यर्थ है पर कृषि योग्य, हम कह सकते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मतलब भूमि है, कृषि योग्य है, हम उसे किसी भी तकनीकी के माध्यम से उपजाऊ बना सकते हैं। तो हम इस बात से लगा सकते हैं अनुमान कि हमारे भारत के अंदर कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भारत में निवल बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है, प्रतिभूमि क्षेत्र सर्वाधिक है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सर्वाधिक है, और तीनों ही भूमि के अंदर सबसे ज्यादा फसल पैदा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परंतु भारत में समय के साथ जो बदलाव देखा गया है उसमें यह देखा गया है कि हमारी जो कृषि भूमि है उसमें कमी आई है, ठीक है। परंतु भारत में समय के साथ कृषि भूमि में गिरावट आई है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि भारत के अंदर एक तो निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना सीमित है, ठीक है, परंतु जो भूमि व्यर्थ है, बंजर है या लंबे समय तक कृषि कार्य नहीं हुआ है, वो भूमि जो है द्वितीय और तृतीय क्रिया में बदल गई, इस वजह से आपको जमीन की कमी आने लगी है, मतलब कृषि भूमि में क्या आई है, गिरावट आई है। तो इसको भी हम मेंशन करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि भारत में निवल बोया गया क्षेत्रों में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है। अब वो सीमित होने का कई कारण हो सकता है। सीमित निवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है, जहां पे फसलों को उगाया जाता है फिर काटा जाता है। अब इस लाइन से ये पता चल रहा है कि इसी बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है, उसका सीमित कह दीजिए, क्यों, मानसून टाइम पे आता नहीं है, फसल कोई पैदा करना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि वो मानसून की अनियमितता की वजह से कई कारण हो सकते हैं, किसानों की कई समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से जमीन होते हुए भी उस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो व्यर्थ भूमि है, जो बंजर भूमि है, ठीक है, और जो कई समय बहुत लंबे समय से कृषि उत्पादित नहीं हुआ, वह भूमि एक तो बदल गई द्वितीय क्रिया में और एक बदल गई तृतीय क्रिया में, बदल गई, ठीक है। मतलब ये कि आपकी जमीन में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, क्यों, क्योंकि अधिकतर भूमि जो है वो द्वितीय तृतीय क्रिया में बदल रही है। भूमि की कमी को सुधारने के लिए आपको नई नई प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भूमि की गुणवत्ता सुधरे तो आपको नई प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई जमीन में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो तो आपको नई नई तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा। अब वो प्रौद्योगिकी कौन सी है कि आप जमीन के इस उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, वो जमीन को उपजाऊ करने वाली वो तकनीकी कौन सी है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तकनीकी हम सब जानते हैं कि भाई यूरिया उपयोग कीजिए, यूरिया से कोई आपकी जमीन की गुणवत्ता बदलती है क्या, नहीं। यूरिया है या कृत्रिम खाद जो होता है, जो हम
डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, वो तो जमीन की गुणवत्ता को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। अब वो प्रौद्योगिकी कौन सी है, दो प्रकार की प्रौद्योगिकी है, दो प्रौद्योगिकी जो भूमि में क्या करेगी, बढ़ोतरी। अब देखिए वो क्या तकनीकी है, सबसे पहली तकनीकी आपको करना होगा कि वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष के उत्पादन को बढ़ाए, पहला वह जो प्रति इकाई भूमि पर कृषि उत्पादन को क्या करे, बढ़ाए। मतलब प्रति इकाई भूमि, प्रति इकाई, कोई भूमि छूटनी नहीं चाहिए, प्रति इकाई भूमि में कृषि के उत्पादन को या फसल के उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ाए। दूसरा क्या, दूसरा यह कि वह जो भूमि, यह इंपॉर्टेंट है, वह जो कृषि वर्ष में, ठीक है, वह जो कृषि वर्ष में, ध्यान से सुनना, वह जो कृषि वर्ष मतलब एक साल में गहन भू उपयोग, मतलब गहन का मतलब सर्वाधिक, भू उपयोग में सभी प्रकार की फसलों का क्या हो, उत्पादन बढ़ाए। सभी प्रकार की, एक प्रकार की नहीं, ये कहना चाहता है कि वह कृषि वर्ष जिसके अंदर बड़े स्तर पर, गहन मतलब बड़ा स्तर पर, भू उपयोग में मतलब जमीन का जहां उपयोग कर रहे हो वहां पर सभी, एक फसल नहीं, सभी प्रकार की फसलों का क्या हो, उत्पादन बढ़े, तो आप कृषि भूमि में भी बढ़ोतरी कर सकते हो और साथ में आप भूमि के साथ में उत्पादन में भी क्या कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो। मेरे हिसाब से दूसरी जो प्रौद्योगिकी है वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाली है। ठीक है, जो सेकंड नंबर की जो ये प्रौद्योगिकी है ये सबसे ज्यादा लाभ देने वाली है। क्यों, क्योंकि सीमित भूमि में कुल उत्पादन इससे बढ़ेगा, क्योंकि सीमित भूमि पर कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा क्या, श्रमिकों की मांग, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिक चाहिए होंगे, तो बढ़ेगा वह श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जमीन का उपयोग भारत के अंदर, भू उपयोग भारत में कृषि के रूप में लिया जाता है। अब देखिए एक और है, इसमें एक सूत्र और है, मैं बता दूं आपको, इसमें एक सूत्र है कि आप अगर चाहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फसल गहनता की गणना का सूत्र, फसल गहनता की गणना का सूत्र, अगर मान लीजिए आपको ज्ञात करना है कहीं पर फसल की उत्पादकता बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप किस प्रकार से उस फसल की गहनता का, गहनता को ज्ञात करोगे, उसकी गणना कैसे करोगे, तो उसका एक सूत्र है। क्या सूत्र है, कृषि गहनता बराबर जो आपको ज्ञात करनी है, कृषि गहनता तो आपको ज्ञात करनी है, और इसमें बोलेंगे निवल बोया गया क्षेत्र जहां पर फसलों को उगाया जाता है और काटा जाता है, सॉरी निवल नहीं, सकल आएगा यहां पे, ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल मतलब आपके घरेलू क्षेत्र में, ठीक है, यहां लिखेंगे सकल, सकल बोया गया क्षेत्र बटा, यहां लिखेंगे निवल बोया गया क्षेत्र,
इनटू सो करेंगे। तो अब जो हमारे भारत में घरेलू क्षेत्र के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, ऑल ओवर भारत का जितना भी ऑल ओवर उत्पादन हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और निवल बोया गया क्षेत्र मतलब किसी क्षेत्र का, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का अगर उत्पादित देखेंगे कि भैया वो फलाने क्षेत्र के अंदर इतने हेक्टर में कितनी भूमि है, उसमें कितना उत्पादन हुआ है, एकल किसी क्षेत्र के बारे में अगर देखेंगे तो वहां पर निवल बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत देखेंगे इंटू सो। तो इस तरीके से दोनों भागों को लिखकर इंटू सो से कर देंगे तो जो आएगा वो आपके कृषि गहनता को प्रकट करेगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया भारत में कृषि भू उपयोग के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आगे वाले वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।